नमस्कार, नेशन न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। आज सरकार के द्वारा लागू की गई सभी योजनाएं कहीं ना कहीं वो धरातल पर नहीं उतरती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को बहुत सारी मुसीबत और कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। उन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचकर घंटों इंतजार भी करने पड़ते हैं। ऐसे में आज जम्मू जिले के झाझा प्रखंड विकास पदाधिकारी दीपेश कुमार ने अपनी एक सराहनीय पहल को व्यक्त किया है। आज उन्होंने झाझा के पापा पंचायत अंतर्गत कलजुगा विद्यालय में आकर वहां पर सारी जन समस्याओं को सुनते हुए जो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं थे उनको उन्होंने त्वरित निवारण करते हुए यहां पर एक शिविर आयोजन किया, जिसके तहत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने जानकारी भी ली कि किन लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं और उनका उन्होंने त्वरित निवारण करने का एक अथर्व प्रयास भी किया है। दो दिन पहले एक लेटर निकाला गया आवास और स्वच्छता संबंधी शिविर का, ताकि जो पब्लिक की समस्या है छापा पंचायत में उसका निदान किया जा सके। आवास में बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं कि किसी का सेकंड किस्त नहीं गया है, किसी का थर्ड किस्त नहीं गया है। उस संबंध में विशेष रूप से ध्यान दिलाने के लिए यहाँ पर लोगों पब्लिक को पहले बता दिया गया था, मुख्यालय के माध्यम से पहले जानकारी दे दी गई थी और यहाँ के जो कार्यपालक सहायक हैं उनको भी पहले बता दिया था कि लोगों को जानकारी दे दिया जाए। तो लगभग 25-30 लोग अभी तक आ गए हैं आधे घंटे का 40 मिनट में और उनको जानकारी दी गई है। आवास संबंधी समस्या के लिए आवास पर्यवेक्षक को उनकी टीम है बैठी हुई और स्वच्छता के लिए हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं और उनकी टीम बैठी हुई है। तो दोनों का समस्या का समाधान यहाँ पर तुरंत किया जा रहा है।